ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। यूएस आर्म्ड सर्विस के हर एक ब्रांच में एक या एक से ज्यादा लीड टीम कमांडो होते हैं। वो बहुत ही सही तरीके से दिमाग लगाकर गनीमी रूप में लड़ते हैं और ऐसी सेना में काम करने के लिए सिपाही को बहुत ही अनुशासित होना चाहिए और ये तो बहुत ही मुश्किल ऐसे शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग में से होकर जाते हैं। इन कमांडो की छोटी सी टीम भी अपनी ट्रेनिंग के कारण कम समय में भी बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हैं। गल्फ युद्ध के समय यूएस नेवी सील्स की एक टीम, इन्होंने ऐसा विभाजन बनाया, कुवैत के बीचेस को ले लिया और इतनी गड़बड़ी लाई कि इराकी जनरल पूरी तरह से मूर्ख हो गए और वो सोचने लगे कि यूएस का अटैक तो समुंदर से हो रहा है। बस कुछ ही दिनों में पूरा युद्ध खत्म हो गया और ये सब केवल 20 से भी कम सिपाहियों के साथ शुरू हुआ। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें खास करके एक स्पेशल फोर्स यूनिट के बारे में बताती है। ये तो 144,000 लोगों की सेना है जिनका अंतिम दिनों में सबसे बड़ा मिशन होगा कि यीशु की वापसी के लिए संसार को तैयार करें। तो आइए बाइबल की सच्चाई को देखते हैं कि 144,000 लोग कौन हैं और सीखें कि कैसे आप जीवित परमेश्वर की छाप ले सकते हैं। आज का हमारा प्रेजेंटेशन इस विषय के बारे में है और इसे आप देखेंगे, यह है 144,000 लोग, जिसे आप पाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और अध्याय 14 में, और परमेश्वर की मुहर। और ये उस समय के बारे में बताता है जहां पर स्वर्गदूत मानो समय को रोक के हुए हैं। और मुझे याद है, मैंने कहानी सुनी थी और मुझे लगता है सन 2012 की बात है, मार्च में पॉल वुल्डन, उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने फ़ोन किया। उस समय वो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने देखा है खबरों में बताया जा रहा है कि बड़ा बवंडर आने वाला है। खैर, तूफान की चेतावनी को अनदेखा करना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि मैं बाहर जाकर आसमान को देखता हूँ। जब वो बाहर आकर आसमान को देखने लगे, उन्होंने देखा ये मानो धुएं की ऐसी बड़ी दीवार है जो उनके पास बढ़ रही है, आसपास के सभी घरों को नाश कर रही है। उन्होंने कहा यह सच बात है। वो दौड़कर भीतर गए और अपने साथ में कुछ कुत्तों को लेकर वो सीढ़ी के पास वाले कमरे में चले गए। और फिर तूफान आया और जैसे वो टकराया तो ऐसे लगता है कि बड़ी रफ्तार की ट्रेन पास से गुजरी है, यानी जब ये बवंडर सिर से गुजरता है, और उनका पूरा घर हिलने लग गया। उन्होंने दोनों हाथ से दरवाजे को थामे रखा, अपनी पूरी शक्ति को लगाकर वो वहां पर बने रहे कि दरवाजे को बंद रखे, जबकि बवंडर उस दरवाजे को खोलना चाहता था कि दरवाजा खुल जाए और उन्हें और उनके कुत्तों को खींच ले। और फिर ज्यादा समय तो नहीं लगा, लेकिन उसके बाद में आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई, बवंडर चला गया और उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और ये तस्वीर उन्होंने देखी जब वो बाहर आए थे। घर उड़ गया था और उन्होंने नीले आसमान को अपने ऊपर देखा, सब कुछ चला गया था, केवल वो कमरा और कुछ सीढ़ियां थी। और उन्होंने कहा जैसे वो बाहर आए तो वो कमरा भी नीचे गिर गया और फिर ओले गिरने लगे और उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें कोई बेसबॉल की बैट से मार रहा है। उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की कुछ चीजें रखे हुए उस बर्तन को उठाकर सिर पर रखा, नहीं तो वो ओले के मारे ही मर जाते थे। और उनकी पत्नी हमेशा मजाक में उनसे कहती है कि वैक्यूम क्लीनर की अतिरिक्त चीजों के बक्से को आपने सिर पर रखा था कि जान बचाए, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि इस तूफान में भी वो बने रहें। खैर, मनुष्य इसमें उतने अच्छे नहीं, लेकिन स्वर्गदूत अच्छे से ये करते हैं। प्रकाशित वाक्य इसका अच्छा चित्र बताता है। तो आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 से 144,000 लोगों को देखते हैं और हम वचन 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 7 वचन 1 से, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। अब ये जो स्वर्गदूत है क्या दर्शाते हैं? ये तो कंपस के जैसे हैं जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में बताता है, यानी ये तो पूरे संसार की समस्या है, ये तो पूरे संसार का एक साथ बंद किया जाना है। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। ये पृथ्वी पर की सारी चीजों के बारे में कहता है, पृथ्वी, समुद्र, पेड़ और फिर कुछ होता है, निश्चय सब कुछ खत्म होगा ही। और ये जो विनाश की हवा है उसके बारे में आखिरी 7 मरियों में इसके बारे में बताया गया है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और फिर आगे कहता है, जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, ये तो 144,000 थे, इसराइल की संतान के सब गोत्रों में से 12,000 लोग। और यहाँ दिलचस्प सूची दी गई है,
और फिर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में फिर बताया गया है 144,000 के बारे में, और ये उनके बारे में हमें थोड़ी और जानकारी देता है। फिर मैंने दृष्टि की ओर देखो, यह है प्रकाशित वाक्य अध्याय 14:1, देखो वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। अध्याय 7 कहता है परमेश्वर की मोहर, यहाँ पर कहता है पिता का नाम, यानी एक ही बात है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़ी गर्जना का सा शब्द था। जो शब्द मैंने सुना मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर वे कुंवारे हैं। इसका मतलब क्या है? ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। ये कहता परमेश्वर के सामने ये निर्दोष हैं। और फिर ये अगले वचन के भाग में जाता है जो किससे संबंधित है, लेकिन हम यहीं पर रुकेंगे। यानी यहाँ 144,000 है, अवश्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है। अध्याय 7 उनके बारे में बताता है, अध्याय 14 उनके बारे में बताता है, ये प्रभु के करीब हैं, उन्होंने खास मोहर पाई है। अब खास करके अगर आप किसी से बात करें प्रकाशित वाक्य और माथे पर के चिन्ह के बारे में, तो सबसे पहले क्या विचार आता है? हर कोई अपने आप बस यही सोचता है कि अंतिम दिनों में माथे पर कोई चिन्ह नहीं चाहिए। अगर कोई माथे पर चिन्ह लगाना चाहिए तो दूसरी ओर भागिए। लेकिन अगर आप बाइबल का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य में हर एक व्यक्ति के माथे पर कुछ न कुछ चिन्ह है। अगर प्रभु के नहीं तो पशु का चिन्ह होगा, नहीं तो फिर परमेश्वर का चिन्ह होगा। आपको निश्चित करना है कि आप पर सही चिन्ह हो। और ये तो केवल परिचय की बात थी, तो चलिए अभी अपने कुछ सवालों को देखते हैं जो 144,000 और परमेश्वर की मुहर के बारे में बताते हैं। पहला सवाल, प्रकाशित वाक्य हमें क्या बताता है जिसके कारण हम इन 144,000 लोगों के बारे में अनुमान लगाए कि वो कौन थे? बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले ये बताता है कि इसराइल के 12 गोत्रों में से 12,000 लोग। अब प्रकाशित वाक्य में गोत्र की जो सूची दी गई है ये तो अलग है बाइबल की किसी भी सूची से। 12 गोत्रों की सूची बाइबल में कई बार दी गई है, और सामान्य रूप में शुरू होती है पहला जन्मा यहूदा, माफ कीजिए रूबेन, लेकिन प्रकाशित वाक्य में शुरू होती यहूदा से। ये अलग है, अलग सूची है। और फिर आप पाएंगे ये यहाँ पर कहता है यूसुफ के बारे में, लेकिन इफ्राइम छोड़ दिया गया है। और ये तो बहुत ही अलग ऐसी सूची है, और शायद आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या ये असली यहूदियों के बारे में कह रहा है? अंतिम दिनों में हर गोत्र से 12,000 लोग चुने जाएंगे। यहूदी इतिहास जानते हैं कि कुछ गोत्र के बहुत ही कम लोग रहे हैं, और यहूदा के बहुत से लोग हैं, यानी कहिए लाखों लाखों लोग हैं। और ये विचार कि हर एक गोत्र से 12,000 लोग लिए जाएंगे, ये अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये आत्मिक यहूदियों के बारे में कह रहा है, मतलब असली यहूदी और आत्मिक यहूदी लोग होंगे, यानी ऐसे लोग जो कि अब्राहम के वंश में गोद लिए गए हैं मसीह को ग्रहण करने से। चलिए बताता हूँ क्यों। आप बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए देखिए दूसरा राजा 17:6, 10 गोत्रों के ऊपर अश्रूर के राजा जयवंत हो गए यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों साल पहले ही। आप यहां पर पढ़ते हैं होशे के 9वें वर्ष में अश्रूर के राजा ने शमरोन को ले लिया, ये इसराइल है यानी उत्तरी राज्य, और इसराइलियों को ले जाकर अपने नगरों में बसाया। लेकिन बाद में दक्षिणी यहूदी राज्य बेबीलोन में गया, लेकिन वो वापस आए। जो अश्रूर में ले जाए गए थे वो दूसरी जातियों से विवाह करने लगे, और पूरी तरह से गोत्र गायब हो गया। और जब प्रकाशित वाक्य कहता है कि मनुष्य के गोत्र में से 12,000 लोग, क्या आप मुझे आज मनुष्य के गोत्र से किसी को दिखा सकते हैं, या इससार के या जिबलून के? और जब आप यहूदी के बारे में कहते हैं तो आप खास करके बात कर रहे हैं लेवी, यहूदा और बेंजामिन पर। अब बाइबल में पढ़िए, यीशु के जन्म के बहुत समय पहले बताता है कि गोत्र के साथ क्या हुआ। उनमें से कुछ वापस आकर यहूदा के साथ में जुड़ गए, और वो यहूदा के लोगों के साथ विवाह करने लगे। और आप निश्चय ऐसे लोगों को नहीं पाएंगे जो कि शुद्ध रीति से जबलून गोत्र के हो, या मनस्से, या इससार, या इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है जब ये कहता है गलातियों 3:29, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बाइबल में यहूदियों से की है, नए और पुराने नियम में, उसका मसीह में आप दावा कर सकते हैं, आमेन। ये अद्भुत प्रतिज्ञा है, पौलुस ने कहा, ये नया नियम है। पौलुस रोमियो 2:28-29 में कहता है,
क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है और न वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है, परंतु यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। ये यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का संदेश है। उन्होंने अपने यहूदी भाइयों से ये कहा, अपने मन में ये नहीं कहना कि परमेश्वर हमें उद्धार देगा क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं। परमेश्वर योग्य है कि अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न करें। यीशु ने कहा, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे और राज्य में सहभागी होंगे और अब्राहम इसहाक याकूब के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब अन्य जाति के लोग आएंगे और स्वाभाविक संतान यानी हम विश्वास नहीं करेंगे उनमें से कुछ अंधकार में चले जाएंगे। और इसलिए नया नियम बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है कि अब सुसमाचार तो सब तक पहुंचता है कि अब जो भी चाहे यानी परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। तो यहाँ 144,000 का जो विचार है इसके लिए DNA टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं। परमेश्वर इस तरह से फर्क नहीं दिखाता है। अगर आप अब्राहम के वंश के हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। ठीक है, कहीं मत जाइए दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम जल्द ही बस कुछ पल में लौट कर आ जाएंगे। क्या आप मसीह की वापसी के भविष्यवाणी के चिन्ह को जानते हैं और हम सच में उसके कितने करीब आ चुके हैं? और ये तो पूरे इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी घटना है। क्या हम ऐसे गुप्त में अचानक उठा लिए जाएंगे और करोड़ों लोग पीछे रह जाएंगे, या फिर यीशु की वापसी ऐसी होगी कि एक कोने से दूसरे कोने तक देखे जा सकते हैं? शायद इसके बारे में लाखों ऐसी थियरीज होंगी, लेकिन बाइबल की एक ही सच्चाई है और यीशु ने प्रतिज्ञा दी है कि अगर हम खोजें तो हम पाएंगे। इसलिए अमेजिंग फैक्ट चाहता है कि इस विषय पर आप चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद बनाएं हमारे नए बाइबल स्रोतों के द्वारा। इसे कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। ये रंग बिरंगी पूरी विवरण देने वाली मैगजीन, इसमें हर एक सच्चाई बताई गई है जो आपको जाननी चाहिए कि कब, कहां और कैसे यीशु जल्दी लौटेगा। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर कहिए 255, या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में चलते हैं और कुछ अद्भुत सच्चाइयां जानते हैं परमेश्वर के वचन से। तो ये सूची क्यों दी गई है और प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में ये सूची इतनी अद्भुत क्यों है, और मैं आपके सामने कुछ पढ़ूंगा। जानते हैं जब हिब्रू लोग किसी का नाम रखते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है। आप ये कहानी पढ़ते हैं, याकूब की चार पत्नी थी और फिर यानी पहले एक थी बस राहेल और फिर लिया और फिर बिल्हा, जिल्पा, उनकी नौकरानियां, और हर समय याकूब का ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ती थी। जब भी गर्भवती होती बच्चे को जन्म देती तो माँ उस बच्चे का नाम रखती और उसके लिए एक वाक्य कहती, क्योंकि हिब्रू में नाम का कुछ अर्थ होता था। यहूदा का मतलब है मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। चलिए इसे मैं स्क्रीन पर आपके लिए रखता हूँ। रूबेन का मतलब है उसने मेरी ओर देखा है। गाद यानी उसने अच्छा भविष्य दिया। आशीर मतलब मैं खुश हूँ। नप्ताली मतलब मेरा युद्ध करना, और मनस्से कि उसने मुझे ये सब भुला दिया। ये कहता है शिमोन मतलब परमेश्वर ने मेरी सुनी। लेवी मेरे साथ जुड़ा है। इससार मुझे खरीदा है। झबलून यानी निवास। यूसुफ यानी परमेश्वर मुझे और देगा। और बिन्यामिन मतलब मेरे दाहिनी हाथ का पुत्र। अब यही तो बात सबसे बहुत ही अद्भुत है कि अगर आप इन नामों को ले और प्रकाशित वाक्य में जिस तरह से इनके नाम बताए गए इसे एक साथ जोड़े तो इसका यही अर्थ होता है। मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मेरी ओर देखा और उसने मुझे अच्छा भविष्य दिया है। मैं खुश हूं कि मेरा लड़ने वाला परमेश्वर मुझे सब कुछ भूलने दे रहा है। परमेश्वर मेरी सुनता है। वो मेरे साथ में जुड़ा है जैसे कि विवाह में जुड़ा हो। उसने मेरे लिए निवास स्थान तैयार किया। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं और वो मुझे अपने दाहिनी हाथ का पुत्र देगा, मतलब मसीह। उद्धार की ये पूरी कहानी तो बस नामों में ही बताई गई है। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में बताया गया ये छुटकारे की कहानी है। क्या ये सुंदर नहीं है? इसलिए बाइबल इतनी अद्भुत किताब है। ये 144,000 खास वस्त्रों के बारे में बताती है। बाइबल कहती है उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया है। ये बताता है कि वो मसीह की धार्मिकता से ढाके गए हैं। ये बताता है कि वो अलग गीत गाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके संगीत को समझ नहीं सकते क्योंकि ये उनका गीत है। मतलब वो तो अनुभव में से होकर गए हैं जैसे कि इसराइली लोग मिस्र में से गए थे और वो छुटकारे का गीत गा रहे थे मरियम की अगुवाई में। और उनके 40 साल के अंत में मूसा ने गीत लिखा जो कि उनके भटकने के बारे में बताता है और कैसे प्रभु ने मदद की। कई बार गीत के लिए हमें उस गीत का अनुभव होना जरूरी है। जैसे मानो हम क्वायर को सुन रहे हैं। मैंने क्वायर को सुना था, वो तो निग्रो स्पिरिचुअल थे और जिस तरह से लिखा गया था शायद उन्हें वैसे गाना नहीं आता था क्योंकि उन्होंने वो अनुभव नहीं पाया था जिसके कारण ये गीत लिखा गया था।
क्या आप समझ रहे हैं? यानी वो उस अनुभव को नहीं पा रहे थे जो कि 144,000 ने पाया। कोई इसे सीख नहीं सका। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं जो कि बड़े महान क्लेश में से होकर बाहर आए हैं। वो मिलने के पीछे बहुत ही करीबी रीति से चलते आए हैं। ये कहता वो नया गीत गा रहे थे और ये कहता जहां भी मेमना जाता था वो उसके पीछे चलते थे। खैर मैं बता दूं, अगर वहां पर आपको मेमने के पीछे चलना है तो फिर आपको यहां पर मेमने के पीछे चलना होगा। और आप ये नहीं कह सकते कि मेमने के पीछे चलने के लिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आप वहां नहीं जा सकते जब तक कि उसके पीछे अभी न चले। विश्वासी तो मसीह के पीछे चलता है। और ये कहता है वो कुंवारे थे, ये तो मजबूत बात है। क्या इसका मतलब यह है कि वो सभी स्त्रियां हैं? ग्रीक में शब्द तो स्त्रियों के बारे में दिखाया जाता है। याद रखिए, प्रकाशित वाक्य कहता है कि बेबीलोन की ऐसी बेटियां थी जो कि वेश्याएं थी, विश्वासघाती थी। और 144,000 ये कहता है कि उन्होंने स्त्रियों से खुद को अशुद्ध नहीं किया था। ये कहता है कि वो तो सच्चाई के भाग थे, वो तो अशुद्ध नहीं थे बेबीलोन के दाखमधु के द्वारा। ये शारीरिक संबंध के बारे में नहीं कह रहा है, बस ये कहता है कि वो शुद्ध समूह के थे क्योंकि वो यीशु की शिक्षा पर विश्वास करते थे, झूठी शिक्षा के द्वारा शुद्ध नहीं हुए। और जो कुछ भी हम आपको 144,000 लोगों के बारे में बता रहे, जानते हैं इसे समझने की चाबी क्या है? वो दर्शाते हैं आधुनिक दिनों के प्रेरितों के बारे में। अब देखिए, नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु ने अपने लिए 12 चेले चुन लिए और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम संसार तक मेरा संदेश पहुंचाने वाले हो जाओ। केवल उन्होंने उद्धार नहीं पाया था, वो तो अगुओं का खास समूह था। प्रेरित अध्याय 2 में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के पहले यहूदा मर गया था और पतरस ने कहा कि हम तो अभी केवल 11 लोग बाकी रह गए हैं, हमें किसी और को जोड़कर 12 पूरे होना है। और जब यहूदा की जगह किसी और को रखते हैं, अगले ही वचन में पवित्र आत्मा उतरता है। केवल 12 लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, ऊपरी कोठरी में 120 लोग वहां थे और उन्होंने जो किया उसके कारण 3,000 लोग उसी दिन बदल गए। इससे हम अगले सवाल की ओर जाते हैं, यीशु के आने पर क्या केवल 144,000 लोग ही उद्धार पाए होंगे? अगर आप गणित करें तो ये बड़े दुख की बात होगी क्योंकि अब इस संसार में 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं। और यदि केवल 144,000 लोग ही उद्धार पाएंगे तो उद्धार पाने का आपका मौका 50,000 में से एक का ही होगा। और ये तो फ्लोरिडा की लॉटरी से बेहतर है, क्या जानते हैं? लेकिन ये बेहतर है। नहीं, केवल उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, वो तो अगुओं का खास समूह है। और चलिए 144,000 के बारे में यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जिस तरह से यीशु के 12 चेले थे और यीशु जहाँ भी जाता था वहाँ वो जाया करते थे, जो उसके साथ खास संबंध रखे हुए थे वो उसके साथ गाए। जिस तरह से बाइबल में हम देखते हैं यीशु ने बस यहीं गाया, उन्हीं के साथ गाया, दूसरी बार भी वो गाया होगा, लेकिन बाइबल में एक ही बार इसके बारे में बताया कि यीशु ने गाया। क्रूस पर जाने के पहले वो 12 प्रेरितों के साथ में गीत गाता है, उन्होंने प्रभु के साथ गीत गाया, विशेष गीत। और इसलिए सारी बातें 144,000 लोगों के बारे में, खैर ये तो प्रेरित ने लिखा है, वो यीशु के साथ उनके संबंध के बारे में कहता है। उसके पहले आगमन के समय यानी प्रेरितों की बड़ी सेना तैयार होगी उसके दूसरे आगमन की तैयारी के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? यही 144,000 लोग। अब तो हमने उनके बारे में कुछ सीखा है, उनके माथों पर का विशेष नाम क्या है? ये कहता है नाम, मुहर। याद रखिए, ये टैटू के बारे में नहीं कहता है। आप पूरी बाइबल में यानी पुराने नियम और नए नियम में पाएंगे कि ये हाथ में और माथे पर ही है, मतलब आपके कामों में और विचारों में। व्यवस्था विवरण 5 में मूसा 10 आज्ञाएं फिर से बताता है। व्यवस्था विवरण 6 में कहता है इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। ये क्या है? माथा है। यानी प्रभु की व्यवस्था आपके दिल में हो, एक और चिन्ह है। हाथों पर मतलब क्रियाओं में, माथे पर मतलब आराधना या विचारों में। चलिए बहुत स्पष्ट रूप में देखें, अगर आप अंतिम दिनों में परमेश्वर की व्यवस्था को रखेंगे अपने क्रियाओं में, अपने मन में, तो पशु का चिन्ह नहीं लेंगे। अगर परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है आपके कामों में और आपके विचारों में, तो पशु का चिन्ह आप लेंगे। ये तो इसी तरह से है। यहेजकेल 9 के बारे में आपको याद है? हम सोचते हैं चिन्ह तो बुरी बात है, अगर हम यहेजकेल 9 में पढ़े तो ये बताता है, यहां पर प्रकाशित वाक्य यहेजकेल के बारे में बताता है कि यरूशलेम में बाकी सबको नाश कर दिया जाए, केवल उन्हीं लोगों को छोड़ दिया जाए जिन पर स्वर्गदूत ने चिन्ह लगाया है। यहेजकेल 9 में जिन पर ये मोहर लगाई गई वो तो बचाए गए, क्योंकि इसराइल में जो घृणित काम किए गए उसके बारे में वो तो रो रहे थे, क्योंकि उस समय वहां झूठी आराधना हो रही थी।
इसराइली लोगों के बीच में। हम इस अध्याय को पढ़े तो आप इसे समझ पाएंगे। तो परमेश्वर की मुहर क्या है? बाइबल 144,000 लोगों के बारे में बताती है। हम इसे देखेंगे इस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं ये सच में बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले परमेश्वर की मुहर पवित्र आत्मा है। आप शायद इसे जानते होंगे, तो जिनके पास में पशु का चिन्ह है उनमें किसकी आत्मा है? शैतान की। जिन पर परमेश्वर की मुहर है उनमें पवित्र आत्मा है। इफिसियों 4:30 में यह कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी पवित्र आत्मा की छाप हमारे भीतर लगाई गई है। लेकिन इससे भी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन में देखी जा सकती है, और आप इसे इस वचन में पाएंगे, यशायाह 8:16 में, चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। क्या दिल में व्यवस्था को रखकर मुहर लगाई जा सकती है? यानी व्यवस्था तो एक मुहर है, तो नई वाचा क्या है? मैं अपनी व्यवस्था को लेकर तुम्हारे हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। चलिए एक कदम और गहराई में जाते हैं, देखते हैं व्यवस्था की ये जो मुहर है ये क्या है। अब देखिए, खास करके एक मुहर बाइबल के समय अगर किसी डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल बनाना है, वो उस पर वैक्स लगाते, जैसे लिफाफे पर करते हैं, और उस पर सरकारी मुहर लगा देते थे। और इस मुहर के यहाँ पर 3 गुण हुआ करते थे, और उसके ऊपर उस अफसर का नाम होता था, उसका शीर्षक और उसका प्रांत। उदाहरण के लिए मेरे पास ये कॉपी है रानी एलिजाबेथ की। कनाडा में ये कहता है क्वीन ऑफ कनाडा एलिजाबेथ। यही है नाम, यानी रानी, यानी उसका पद एलिजाबेथ कनाडा। यानी यहाँ ये 3 गुण थे। जब पिलातुस ने यीशु की कब्र के ऊपर में मुहर लगाई, तो वो मुहर क्या कहती थी? उसका नाम पिलातुस गवर्नर, यानी उसका औहदा यहूदा उसका प्रांत था। जब राजा दारा ने मुहर लगाई, बाइबल कहती है कि उसने सिंह की गुफा के ऊपर में मुहर लगाई थी, उस पत्थर पर। उस पर क्या लिखा था? दारा राजा मीडा फारस का। हमेशा 3 बात वहां पर होती थी। प्रेसिडेंशियल सील देखी है, प्रेसिडेंट का नाम है प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट। यानी ये 3 गुण थे। तो परमेश्वर की व्यवस्था में आप क्या परमेश्वर की मुहर को देख सकते हैं? जी हाँ, ये परमेश्वर की व्यवस्था के बीच में है, सबसे लंबी ऐसी 10 आज्ञा में। और इस तरह से कहती है निर्गमन अध्याय 20:8 में, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। अब इसे गौर से सुनिए, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने परमेश्वर ने बनाया रचा, ये उसका काम है, वो सृष्टिकर्ता है, उसने आकाश पृथ्वी और समुद्र को बनाया। यहां पर देखिए, यहां पर है परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का शीर्षक, परमेश्वर का प्रांत, परमेश्वर की व्यवस्था के बीच में ही ये तो मुहर है। और अब हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, और ये है सब की आज्ञा। और ये तो इन अंतिम दिनों में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बताती है कि प्रभु में विश्राम करना है। ये कहती है कि संबंध रखे, ये कहती है कि पिता का नाम ले। क्या इस आज्ञा में पिता का नाम है? यहोवा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाया और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यानी यहां पर ये 3 स्वभाव गुण हैं, उसका शीर्षक है और उसका प्रांत है और उसका नाम है। ये सब कुछ व्यवस्था के बीच में है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप देखें बाइबल और स्वर्ग के दृष्टिकोण से कि ये सच में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या संसार में ऐसी कोई जगह है जहां पर, चलिए मैं कहता हूं कि मैं पवित्र भूमि जा रहा हूं, पवित्र भूमि के टूर पर, तो मैं कहां जा रहा हूं? इसराइल में। लोग इस पर बहस नहीं करेंगे। अगर मैं इसराइल में जाकर कहूं मैं पवित्र नगर में जा रहा हूं, तो कहां जा रहा हूं? यरूशलेम में। अगर मैं यरूशलेम में जाकर कहूं मैं पवित्र पर्वत पर जा रहा हूं, माउंट मोराया, जिसे सियोन पर्वत कहते हैं, जहां पर भवन है। और प्राचीन समय में जब भवन में जाते तो उसे पवित्र भवन कहते थे, और उस पवित्र भवन में एक जगह जिसका नाम है पवित्र स्थान। लेकिन इस पवित्र स्थान के अंदर एक भीतरी कमरा है जिसे महापवित्र स्थान कहते हैं, और उस महापवित्र स्थान में केवल एक ही जगह है, और वो क्या है? वाचा का संदूक, सोने का बक्सा। आपने इसके बारे में सुना, ये सोने का बक्सा जो आज भी नहीं मिला है,
सोने का बक्सा इस देश के लिए इतना बड़ा खजाना क्यों हो गया है और उसमें क्या है? 10 आज्ञाएं हैं और इस 10 आज्ञा में क्या पवित्र शब्द देखते हैं? कितनी बार? एक बार। कहां पर? सप्त की आज्ञा में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें पवित्र बनाए। और जीवन तो समय में बंधा है, परमेश्वर प्रेम है, समझ रहे हैं? समय के बिना प्रेम नहीं कर सकते हैं। पत्नी इसे पति से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती है। शायद आप कहें मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आप वहां पर दिन भर अपने कंप्यूटर पर ही काम करते रहें। खैर, अब ये बातचीत ऐसी नहीं होती है, लेकिन मैं तो यहीं पर था, ये तो उत्तम समय नहीं था। यानी हम बस ऐसे रहते हैं, लेकिन क्या हम उत्तम समय बिता रहे हैं? क्योंकि प्रेम तो हमेशा उत्तम समय बिताना है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो उसने सृष्टि को बनाया और बहुत ही उत्तम समय उसने बिताया कि उसके साथ हमारे संबंध को बढ़ाते जाए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आप उसे जानते हैं, तो उसकी आज्ञा मानेंगे, उससे आज्ञा मानेंगे और प्रेम करेंगे। शैतान चाहता है कि उस उत्तम समय को बर्बाद करे, परमेश्वर और लोगों के बीच के प्रेम के संबंध को बर्बाद करे, और वो खास करके हमला करता है सब्त पर। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है। क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में AFTV.org पर। AFTV.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए AFTV.org पर। के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।